हाय एवरीवन, आई होप यू आर वेल एंड गुड। आज हम एग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एग्रेशन? व्हाट डू यू मीन बाय एग्रेशन? बेसिकली एग्रेशन इज़ द डिलीवरी ऑफ एन अवर्सिव स्टिमुलस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद इंटेंट टू हार्म एंड विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉजिंग सच हार्म व्हेन द अदर पर्सन इज़ मोटिवेटेड टू एस्केप और अवॉइड द स्टिमुलस। कोई भी ऐसा बिहेवियर किसी पर्सन के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए जिसकी इंटेंशन है हार्म करना उसको, दैट इज़ रेफर्ड टू एज एग्रेशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रेशन। द फर्स्ट इज़ हॉस्टाइल एग्रेशन एंड द अदर वन इज़ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। द पर्पज़ ऑफ हॉस्टाइल एग्रेशन इज़ टू इंड्यूस इंजरी और पेन, दैट इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन द विक्टिम। किसी भी विक्टिम पे जिसके ऊपर भी एग्रेशन किया जा रहा है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। इन दिस केस देर इज लिटिल और नो एडवांटेज टू द एग्रेसर, वेयर एज इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन प्रोड्यूसेस सम पॉजिटिव रिवॉर्ड और एडवांटेज ऑन द एग्रेसर अनरिलेटेड टू द विक्टिम डिसकम्फर्ट। विक्टिम को चाहे कम्फर्ट मिले या डिसकम्फर्ट मिले, कम्फर्ट तो मिलता नहीं है लेकिन डिसकम्फर्ट ही मिलता है एग्रेशन में। तो ये होता है कि जो हॉस्टाइल एग्रेशन होता है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है उस पर पॉजिटिव रिवॉर्ड या फिर एडवांटेजियस होता है वो एग्रेसर के लिए, ना कि विक्टिम के लिए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रेशन है वर्बल एंड द अदर वन इज़ फिज़िकल। वर्बल क्या हो गया कि हमने मुँह से बोल के उनको हर्ट करा, और फिज़िकल कि हमने उसको मारा। नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव टाइप ऑफ एग्रेशन। एक्टिव में क्या होता है कि आप डायरेक्टली उनको इंसल्ट कर रहे हो या फिर इवन यू हिट। लेकिन जो पैसिव एग्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो, आपके सामने वो पर्सन आया, उसने आपसे हेलो की लेकिन आपने उससे हाय हेलो कुछ भी नहीं किया, तो यू निगलेक्टिंग दैट पर्सन। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एग्रेशन एंड दिस इज़ रेफर टू एज पैसिव एग्रेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एग्रेशन। डायरेक्ट एग्रेशन में क्या है कि आप ऑन द फेस उस पर्सन को बोल रहे हो कुछ भी, आप गुस्सा कर रहे हो तो उसके फेस पे कर रहे हो, जिस पर्सन से भी आपको एग्रेशन है आप उसके सामने शो कर रहे हो। लेकिन इनडायरेक्ट एग्रेशन में क्या होता है कि आप पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर रहे हो, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट एग्रेशन। सी देयर आर टू न्यूरो ट्रांसमीटर्स यू कैन से और दी हॉर्मोन्स यू कैन से विच अफेक्ट एग्रेशन, टेस्टोस्टेरोन एंड सेरोटोनिन। अगर किसी पर्सन के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई है तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल बी अग्रेसिव इन नेचर, दैट पर्सन विल शो एग्रेसिव बिहेवियर, ही वुड बी वॉयलेंट। बेसिकली दिस हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन इज हाई इन द मेल्स कंपैरेटिवली टू फीमेल। वेयर एज बोथ एनिमल एंड ह्यूमन रिसर्च हैज शोन दैट एग्रेसर्स हैव लोअर लेवल्स ऑफ सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन हाई हो और सेरोटोनिन लो हो, देन दैट पर्सन इज सेट टू बी एग्रेसिव इन नेचर। कुछ थ्योरीज हैं एग्रेशन की, वो पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्टिंक्ट थ्योरी के बारे में। इंस्टिंक्ट थ्योरी क्या है? इंस्टिंक्ट थ्योरी के थ्योरिसिस्ट उन्होंने एग्रेशन को उस नज़रिए से देखा है कि एग्रेशन हैज़ बीन फॉर्म्ड इन ह्यूमन बींग्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के प्रोसेस से एग्रेशन बना है, इनहेरिटेंस होती है एग्रेशन की। जो एग्रेशन है वो इननेट और इंस्टिंक्टिव इन नेचर है। इट इज़ सीन एज इनएविटेबल जस्ट एज इट इज़ इन द एनिमल वर्ल्ड। दे बिलीव एग्रेशन इज इननेट एंड कैन बी चैनल्ड इन टू मोर सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। देर आर टू परस्पेक्टिव इन द इंस्टिंक्ट थ्योरी एंड द फर्स्ट वन इज साइको एनालिटिकल अप्रोच एंड द अदर इज एथोलॉजिकल अप्रोच। साइको एनालिटिकल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज साइकोडाइनमिक थ्योरी। इट वॉज गिवन बाई फ्रूड ओवर हियर। फ्रूड आर्ग्यूड दैट ऑल ह्यूमन बींग्स पोजेस टू इम्पॉर्टेंट इंस्टिंक्ट्स। वो कौन से दो इम्पॉर्टेंट इंस्टिंक्ट्स हैं? लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट इज ऑल्सो नोन एज इरोस एंड डेथ इंस्टिंक्ट इज नोन एज थैनाटोस। जब भी लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो क्या होता है, कौन सी टेंडेंसी डेवलप हो जाती है? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से एग्रेशन होता है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स रिजल्ट्स इन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज विच फर्दर लीड्स टू
एग्रेशन। तो फिर इनकी वजह से क्या होता है कि जो भी लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट के बीच में स्ट्रगल हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसकी वजह से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में टेंशन डेवलप हो जाती है। और उस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए दो प्रोसेस हैं, वो है फर्स्ट है सब्लिमेशन एंड द अदर वन इज़ डिस्प्लेसमेंट। या तो वाया स्पोर्ट्स, हम कोई भी गेम खेल के, स्पोर्ट खेल के अपना एग्रेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग या पंचिंग वगैरह करना किसी को, तो वो सब्लिमेशन हो गया। लेकिन अगर हम किसी और इंसान पे निकाल रहे हैं अपना गुस्सा, तो वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोसेस से निकल रहा है। द स्ट्रगल बिटवीन लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स क्रिएट्स अ बिल्डअप ऑफ टेंशन इन आर अनकॉन्शियस माइंड। दिस टेंशन नीड्स टू बी रिलीज्ड ईदर थ्रू सुटेबल आउटलेट सच एज स्पोर्ट, दैट इज़ नोन एज सब्लिमेशन, और ऑन टू अदर्स विच इज़ डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये नहीं निकल पाता है गुस्सा, तो क्या होता है, एक आउटबर्स्ट होता है अनकंट्रोलेबल एग्रेशन का, और इसको हम हाइड्रोलिक मॉडल ऑफ एग्रेशन भी बोलते हैं। नाउ कम्स एथोलॉजिकल अप्रोच विच इज़ एसोसिएटेड विद कॉनराड लॉरेंस, हु कंपेयर्ड ह्यूमन बिहेवियर विद नेचुरल रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इन एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन अटेम्प्ट्स आर टेरिटोरियल कंट्रोल लाइक इन्वेजन्स। ह्यूमन्स में एग्रेशन क्यों बिल्ड होता है? एक ड्राइव क्रिएट करने के लिए। ड्राइव क्रिएट होगी तो डिस्ट्रक्शन होगा या फिर एग्रेसिव बिहेवियर शो किया जाएगा। टू अवॉइड दिस द एग्रेशन मस्ट बी रिलीज्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव वे टू अचीव कैथर्सिस। इसी डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, इस एग्रेशन को रोकने के लिए कैसे रिलीज़ किया जा सकता है इस एग्रेशन को, एक कंस्ट्रक्टिव वे में, जो कि है कैथर्सिस। कैथर्सिस का मतलब क्या होता है? कोई भी स्पोर्ट्स खेल के जो कि एग्रेसिव बिहेवियर इन्वॉल्व करता है, फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग। लॉरेंस इज सेइंग दैट फॉर यू टू फील बेटर, टू रिड्यूस द ड्राइव टू बिहेव एग्रेसिवली, यू मस्ट रिलीज इट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। फॉर एग्जांपल, पंचिंग समबडी इन द फेस मे नॉट रिड्यूस एग्रेसिव बिहेवियर इन द शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। अगर हम किसी को पंच करें, ज़रूरी नहीं है कि हमारा एग्रेशन कम हो जाएगा, उसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्टिव वे निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं, कैथरेसिस, जो मैंने आपको बताया। कैथरेसिस का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा स्पोर्ट खेल के जिसमें एग्रेशन इन्वॉल्व होता है, हम सारी एग्रेशन अपनी उस स्पोर्ट में निकाल दें। अग्रेशन बिल्डिंग इन द क्राउड एट अ फुटबॉल मैच और अ स्पेक्टेटर एट अ बॉक्सिंग मैच, रिप्रोड्यूसिंग द एग्रेशन इन एन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी, या फिर फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस भी हम इसको बोलते हैं। इट इज़ एसेंशियली अ बिहेवियरिस्ट अप्रोच। ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच है दैट सजेस्ट एग्रेशन इज़ अ लर्न रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन। एग्रेशन का कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू एक्सटर्नल सिचुएशन दैट कॉज डिसकम्फर्ट और एंगर। अगर हम किसी भी बाहरी सिचुएशन में हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत लंबी लाइन में लगे हुए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर, या हम कोई भी गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं अपना, तो इससे हमें फ्रस्ट्रेशन होगी। इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी तो ऑब्वियस ही बात है हमारे अंदर एग्रेशन आएगा। और फ्रस्ट्रेशन तब तक बढ़ता ही रहता है जब तक हम उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल ना दें उस एग्रेशन के ज़रिए। फ्रस्ट्रेशन इज क्यूमुलेटिव, इट बिल्ड्स अप इन एन इंडिविजुअल अंटिल इट इज़ डिस्चार्ज्ड वाया एन अग्रेशन। द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस इज समटाइम्स नोन एज ड्राइव रिडक्शन थ्योरी एज वेल। डॉलर्ड एंड अलॉन्ग विद हिज कलीग्स ही क्लेम दैट फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज कॉज एग्रेशन एंड अग्रेशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय फ्रस्ट्रेशन। नाउ कम्स कॉग्निटिव नियो एसोसिएशन थ्योरी, इसको मॉडिफाइड फ्रस्ट्रेशन थ्योरी भी बोलते हैं। दिस वॉज प्रपोज्ड बाय बर्कोविट्स इन 1993। He proposed that aversive events such as frustrations, provocations, loud noises, uncomfortable temperatures and odors, all of them produce negative affect. And negative affect produced by unpleasant experiences automatically stimulates various thoughts, memories, expressive motor reactions and physiological responses associated with both fight and flight tendencies. एग्रेशन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही नहीं हो रहा है, हमारे पास जितनी भी अनप्लेजेंट चीज़ें हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर अनकंफर्टेबल टेम्परेचर हो गया, कोई अजीब सी स्मेल आ रही है, कोई अजीब सी नॉइस आ रही है, या बहुत तेज़ नॉइस आ रही है जिसकी वजह से हमें इरिटेशन हो रही है,
ये सारी चीज़ें हमारी मेमोरी से लिंक्ड हैं, तो इसकी वजह से भी एग्रेशन होता है। मोर ओवर कॉन्सेप्ट विद सिमिलर मीनिंग्स, फॉर एग्जाम्पल हर्ट एंड हार्म, दे बोथ आर सिमिलर इन मीनिंग एंड ऑल्सो कॉन्सेप्ट दैट आर फ्रीक्वेंटली एक्टिवेटेड साइमल्टेनियसली, फॉर एग्जाम्पल शूट एंड गन, दे बोथ आर ऑल्सो लिंक टुगेदर, सो दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। अब अगर इसमें से कोई एक भी कॉन्सेप्ट प्राइम्ड हो जाता है या एक्टिवेटेड हो जाता है तो क्या होगा, दिस एक्टिवेशन वुड स्प्रेड एंड इंक्रीज देयर एक्टिवेशन एज वेल। दिस मॉडल इज़ पर्टिकुलरली सूटेड टू एक्सप्लेन हॉस्टाइल एग्रेशन, बट द सेम प्राइमिंग एंड स्प्रेडिंग प्रोसेस आर ऑल्सो रिलेवेंट टू अदर टाइप्स ऑफ एग्रेशन, मतलब नॉट ओनली फ्रस्ट्रेशन बल्कि जितने भी हम नेगेटिव चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं वो सब भी इफेक्ट करते हैं हमारे एग्रेशन को, उसकी वजह से भी एग्रेशन होता है। नेक्स्ट है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी, इसमें मैंने एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी डाल रखा है, इस पर पूरा बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट नाम से है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। इसमें ना ये होता है कि हम किसी मॉडल को देख के या हम ऑब्जर्व करके वो बिहेवियर सीख लेते हैं और फिर बिहेव करते हैं। इसमें बेसिकली बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, जिसमें जो मॉडल है वो बोबोडॉल के साथ में बहुत एग्रेसिवली बिहेव करता है, तो सिमिलरली बच्चे भी वही देख के एग्रेशन शो करते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डिटेल, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटेस्ट कर दूंगी। आई होप आपको एग्रेशन और उसकी थ्योरी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।